जय भोलेनाथ। दोस्तों, यदि आप केदारनाथ धाम के दर्शन 2023 के अंदर करना चाहते हैं तो आज YT भारत पर इंडिया का सबसे सस्ता टूर पैकेज मात्र 13,000 रुपए पर पर्सन में आपके लिए मैं YT भारत पर लाइव करने वाला हूं, जिसके अंदर आप यात्रा कर सकते हैं 8 मई, 16 मई, 25 मई, 8 जून और 16 जून के दिन से। दोस्तों, ये यात्रा के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। यदि आप इस दर्शन वाले टूर पैकेज को बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रेवल कंपनी का नंबर दे दिया है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस टूर पैकेज को बुक करवा लीजिए, क्योंकि इस साल 2023 में 25 अप्रैल 2023 के दिन से सुबह 6:30 बजे से केदारनाथ धाम के दर्शन ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे और दर्शनार्थी वहां पर जाकर के बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे। दोस्तों, देर ना करें, जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप या कॉल पर बात करके इस टूर को बुक करवा लीजिए और इंडिया के सबसे सस्ते टूर पैकेज को पूरी सुविधाओं के साथ आप बुक करवा करके होकर के आइए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके केदारनाथ धाम में। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, ये टूर पैकेज आपका शुरू होने वाला है दिल्ली से। तो पहले दिन सबसे पहले आपको दिल्ली पहुंचना होगा। दिल्ली से पहले दिन आपकी यात्रा होगी 215 किलोमीटर की, जो लगभग लगभग 6 घंटे का समय आपका लेती है। आप पहुंचेंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको पिकअप किया जाएगा, आप निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए। यहां पर जाकर के चेक इन करेंगे। शाम के समय आप अपनी कॉस्ट पर गंगा आरती हर की पौड़ी पर जाकर के दर्शन कर सकते हैं। वापस लौट करके होटल के अंदर आप डिनर करने के बाद आराम फरमा सकते हैं। जितना चाहें आप आसपास हरिद्वार में दर्शन वाले तीर्थ स्थलों पर जा करके दर्शन कर सकते हैं और अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब डे टू के बारे में बात कर लेते हैं। इस दिन आप निकलेंगे हरिद्वार से होते हुए गुप्तकाशी जाएंगे, जिसकी यात्रा 225 किलोमीटर की है, 9 घंटे का समय लेने वाली है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, होटल से चेकआउट कर दीजिए, निकल जाइए गुप्तकाशी के लिए, जो 47 किलोमीटर दूर है केदारनाथ की होली श्राइन से। द टाउन, ये जो शहर है आपका रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर आपको एंशियंट टाइम के विश्वनाथ टेम्पल, अर्धनारीश्वर टेम्पल, ऐसे मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे। रात्रि को पहुंच करके डिनर करिए अपने होटल में और ओवरनाइट स्टे करिए गुप्तकाशी के अपने होटल के अंदर। अब दोस्तों, डे थ्री के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे दिन आप गुप्तकाशी से सोनप्रयाग जाएंगे, फिर केदारनाथ पहुंचेंगे। 30 किलोमीटर की जर्नी है, 2 घंटे का समय लेती है। 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग लगभग आपको करनी होती है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए गुप्तकाशी में, अपने होटल से चेकआउट करिए, लगेज को रखिए रिसेप्शन पर, निकल जाइए सोनप्रयाग के लिए ट्रांसपोर्ट पार्किंग तक के लिए। यहाँ पार्किंग में पहुंच करके आपको लोकल जीप लेनी होगी। गौरीकुंड जाएंगे, जो 2 किलोमीटर है, अपनी ऑन कॉस्ट पे लगभग 45-30 रुपए लेती है। गौरीकुंड पहुंच करके यहाँ से आपकी ट्रैकिंग 19 किलोमीटर की शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, ट्रैकिंग के रास्ते पर आपको मैं और ऑप्शन बताना शुरू करता हूँ। यदि आप घोड़े खच्चर करना चाहते हैं तो 2,500 रुपए आने जाने के लगभग लगेंगे, पालकी के 10,000 रुपए, और यदि आपने एडवांस में हेलीकॉप्टर बुक करवाया है तो लगभग उसकी कॉस्ट जो है 9,000 रुपए लगती है। अगर आप ब्लैक में ले रहे हो तो उसका तो कुछ कहीं नहीं सकते क्या चार्ज आपका लगने वाला है। तो जल्दी से जल्दी यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो अपने टूर पैकेज को बुक करवा लीजिए। ये आपको गुप्तकाशी फाटा सिरसी हेलीपैड, यहाँ पर पहुंचना होगा अपने ड्रॉपिंग पॉइंट तक। उसी के अकॉर्डिंग आपको पालकी या आपको पिट्ठू या आपको हेलीकॉप्टर की राइड करने को मिलेगी। जो लोग केदारनाथ धाम में स्टे करना चाहते हैं उसी के अनुसार अपनी हेलीकॉप्टर, पोनी और पालकी को आप बुक करवाइए बुकिंग काउंटर से। केदारनाथ धाम पहुंच करके चेक इन मिलेगा आपको होटल या कैंप के अंदर, जो बिल्कुल बेसिक एकोमोडेशन होगा, क्योंकि इतनी हाई एल्टीट्यूड पर जा करके सुविधाएं आपको बेसिक टाइप की ही मिलती हैं। यहाँ पर शाम को संध्या आरती में दर्शन करिए, आरती लीजिए, डिनर करिए वापस होटल पहुंच करके, और ओवरनाइट आप आराम करिए केदारनाथ के पवित्र धाम में। दोस्तों, ये है केदारनाथ धाम। यहाँ पर पहुंच करके जो 3,580 मीटर की हाइट पर है, मंदाकिनी रिवर के कोने पर है, गंगा माता यहाँ से निकलती हैं, फ्लोस करते हुए गौरीकुंड पहुंचती हैं। जय भोलेनाथ ओम नमः शिवाय का आप जाप करते हुए
आप दर्शन करिए केदारनाथ धाम के। डे फोर के बारे में बात कर लेते हैं। इस दिन आप केदारनाथ से वापस गुप्त काशी या फाटा पहुंचेंगे। 19 किलोमीटर की जर्नी होगी, फिर उसके बाद 30 किलोमीटर होगा, 2 घंटे की लगभग समय लगेगा आपका, और आप ड्राइव करते हुए पहुंचेंगे बाय रोड के द्वारा। चेकआउट करिए होटल से या कैंप से, स्टार्ट करिए ट्रैकिंग, वापस आ जाइए सोनप्रयाग में, अपने ड्राइवर से बात कर लीजिए आप सोनप्रयाग फाटा सिरसी कहाँ पर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वापस अपने होटल में पहुंची गुप्तकाशी के, डिनर करिए, ओवरनाइट स्टे करिए गुप्तकाशी के अंदर। डे 5 पर आप गुप्तकाशी से ऋषिकेश वाया हरिद्वार फिर जाएंगे। 225 किलोमीटर की जर्नी 9 घंटे लेगी। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, निकल जाइए हरिद्वार के लिए वाया ऋषिकेश होते हुए, जो स्पिरिचुअल सिटी है, योगा कैपिटल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ऋषिकेश पहुँच करके राम झूला, लक्ष्मण झूला, मुन्नी की रेती आप दर्शन करिए यहाँ पर जा करके, वापस आप हरिद्वार निकलिए। 25 किलोमीटर की जर्नी है, होटल पहुँच करके आराम करिए ओवरनाइट स्टे करने के बाद। डे 6 पर आप निकलेंगे हरिद्वार से दिल्ली। 205 किलोमीटर की जर्नी, 6 घंटे लगने वाले हैं। ब्रेकफास्ट करिए, चेकआउट करिए, निकल जाइए दिल्ली के लिए, आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर। तो इस तरह से आपका ये पूरी जर्नी कंप्लीट हो रही है। आइए दोस्तों, अब आपको सुविधाओं के बारे में बता देता हूँ। ये आपका यात्रा का रूट है कि आप चार धाम अगर करना चाहते हैं तो कैसे कैसे यात्रा का रूट बनता है, वो इसमें स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और फिर अगर आप चाहें तो हेमकुंड के दर्शन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं इस पैकेज में, वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 नाइट का स्टे मिलेगा आपको जो भी होटल आपको बताए जाएंगे। ब्रेकफास्ट डिनर मिलेगा होटल के अंदर। सभी साइट सीइंग ट्रांसपोर्ट मिलेगा जो आपको ऊपर बताया गया। ऑल टोल टैक्स पार्किंग ये सब आपको मिलेगा। एक्सक्लूजन में क्या है ये आपको यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके पढ़ना होगा। ये सारी जानकारी लेने के बाद जल्दी से जल्दी ट्रैवल कंपनी को कॉल करिए, क्योंकि केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए बहुत भारी संख्या में इस साल भीड़ होने वाली है। जितना जल्दी से जल्दी आप पैकेज बुक करवा लेंगे उतनी ही संभावना होगी कि धाम में जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको YT भारत के तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय भोलेनाथ दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।